ओम साई नाथाय नमः। आज के इस वीडियो में हम साई बाबा के शिरडी वाली मूर्ति के कुछ बहुत ही रहस्यमय तथ्यों और अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानेंगे, जिसका समाधान ना साइंस के पास है और ना ही साइंटिस्ट उसे आज तक सुलझा पाए हैं। तो अंत तक बने रहें और खुद बाबा के इस अविश्वसनीय रहस्य को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साई बाबा एक महान संत के रूप से जाने जाते हैं। बाबा के भक्त देश विदेश में फैले हुए हैं। खुद हेमाड पंत जी, जो सच्चरित्र के लेखक हैं, एक बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गए और उन्होंने बाबा से पूछा कि मैं तो एक साधारण मानव हूँ, भला मैं एक संत की जीवनी कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा। बाबा ने उन्हें बहुत ही प्यार से समझाया कि बस तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो और उसकी चिंता भी मत करो, पूरा भार मुझ पे छोड़ दो। हेमाड पंत जी ने इस तरह सच्चरित्र लिखा उसके बाद कि आज सच्चरित्र हर साई भक्त के लिए एक पवित्र ग्रंथ बन गया है, जिससे साई बाबा का आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता है। बाबा अपने हर भक्त की दुविधा इसी प्रकार दूर करते हैं। साई बाबा की महासमाधि के बूटीवाड़ा में उनकी तस्वीर रखकर उनकी पूजा होती थी। साल 1954 तक साई बाबा की पूजा इसी प्रकार होती थी। जब शिरडी में लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, तो शिरडी संस्थान ने यह निश्चय किया कि साई बाबा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कुछ मूर्तिकारों को भी बुलवाया और उन्हें बाबा की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जो कि बाबा की ओरिजिनल फोटो थी, उसे दी गई, और जल्द ही उन मूर्तिकारों को उसका एक क्ले मॉडल यानी कि सैंपल मॉडल तैयार करने को कहा गया। उन्हीं मूर्तिकारों में से एक थे श्री वसंत तालीम जी, जो अपना काम बहुत ही शिद्दत से करते थे। उन्होंने पहले बाबा का क्ले मॉडल बनाने का निश्चय किया, जो एक सैंपल के रूप में संस्थान को प्रस्तुत किया जाना था। लेकिन जब भी श्री वसंत तालीम जी मूर्ति बनाने की कोशिश करते, उनके मन में कई सारे विचार और दुविधाएं उत्पन्न होने लगती कि एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जो कि सिर्फ सामने का एंगल प्रस्तुत करता है, उससे थ्री डायमेंशनल फिगर कैसे बनाया जाए, क्योंकि एक मूर्ति बनाने के लिए साइड एंगल और हर एंगल से फोटो मिलना बहुत जरूरी होता है। और ये एक मात्र फोटो था ब्लैक एंड व्हाइट, जो बाबा का ओरिजिनल फोटो था, उससे सिर्फ सामने वाला पोस्चर ही प्राप्त हो रहा था। ये एक बहुत बड़ी दुविधा होती है जब भी कोई मूर्तिकार एक मूर्ति बनाने की कोशिश करता है। बाबा की सामने से खींची हुई फोटो से उनके हाव भाव और पूरे मुख का एक्सप्रेशन दिखाना बहुत ही मुश्किल था। रोज श्री वसंत तालीम जी अपने स्टूडियो आते, पूजा पाठ करते और उसके बाद ये सोचते कि किस प्रकार मैं इस मूर्ति को न्याय दिला सकता हूँ। हमेशा वे बाबा से प्रार्थना करते कि किसी प्रकार उन्हें वे दर्शन दे, ताकि उनका सही हाव भाव, उनका पूरा चेहरा उनके सामने आ पाए। इसी तरह से प्रार्थना करते करते 2 महीने बीत गए। एक दिन रोजाना की ही तरह स्टूडियो में जब श्री वसंत तालीम जी ने स्टूडियो की लाइट को ऑन किया, एक दिव्य प्रकाश उन्हें दिखाई दी, जिससे थोड़ी देर तक उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इस कदर उस रोशनी की कांति थी, जैसे ही श्री वसंत तालीम जी ने अपने आप को संभाला, साई बाबा का प्रत्यक्ष रूप उन्हें दिखाई दिया। बाबा ने वसंत तालीम की दुविधा दूर कर खुद उनके दर्शन भाग्य दिए। इस बात की पुष्टि खुद श्री वसंत तालीम जी के पोते ने भी दी है कि बाबा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। बाबा की छवि श्री वसंत तालीम जी के दिलो दिमाग में इस कदर बैठ गई कि जो क्ले मॉडल उन्होंने बनाया, वह बाबा की हूबहू परछाई निकली।
हालांकि श्री वसंत तालीम जी ने यह चमत्कार सिर्फ अपने परिवार वालों से शेयर की, सिर्फ उन्हें यह बात बताई कि बाबा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। वह इसे चैलेंज के रूप में लिए और उन्होंने सोचा कि जब तक संस्थान वाले आकर उन्हें यह पुष्टि न कर दे कि ये एकदम बाबा की छवि है, तब तक उन्होंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। और वह दिन भी आ गया जब संस्थान के लोग मूर्तिकारों की बनाई हुई मॉडल देखने आए। जब संस्थान के लोग श्री वसंत तालीम जी की बनाई हुई साई बाबा की मॉडल देखने आए तो उनकी आंखों को विश्वास न हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे खुद बाबा सामने बैठे हों, क्योंकि संस्थान के लोगों में से ऐसे भी लोग थे जो बाबा को प्रत्यक्ष रूप से भी देख चुके थे। उन्होंने तुरंत इस मॉडल को स्वीकृति दे दी और श्री वसंत तालीम ने मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि मूर्ति बनाने के लिए जो मार्बल की पत्थर दी गई थी संस्थान के द्वारा, उसके पीछे भी एक बहुत ही रहस्यमयी घटना जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं सका है, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दरअसल जिस मार्बल के पत्थर से बाबा की मूर्ति बनाई गई थी, कहते हैं कि वह मुंबई के बंदरगाह में इटली से आई थी और उस पत्थर को किसने भेजा वो आज तक एक पहेली बनी हुई है। उस पत्थर का मेजरमेंट बाबा की मूर्ति बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। संस्थान ने उस पत्थर को बाबा की मूर्ति के लिए श्री वसंत तालीम जी को सौंप दी। बाबा अपने भक्तों के लिए सदैव मार्गदर्शन करते हैं और सदा उनके साथ खड़े रहते हैं। जब बाबा की मूर्ति वसंत तालीम जी ने शुरू करके लगभग पूरी तरह से खत्म कर दी थी, उसके बाद एक और परेशानी उनके सामने आ गई थी और वो थी एक छोटा सा एयर पॉकेट यानी छोटा सा क्रैक श्री वसंत तालीम को दिखा, जो अगर ना निकाला जाए तो पूरी मूर्ति को खंडित कर सकता है। वह पूरी तरह हताश हो गए और फिर से बाबा से प्रार्थना की कि उनकी मदद करें। कहते हैं कि बाबा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें काम जारी रखने के लिए कहा। जब वसंत तालीम जी के साथ काम करने वाले कारीगरों ने उस क्रैक को निकालने से इनकार कर दिया, श्री वसंत तालीम ने ही धैर्य से साई बाबा की कही बात का मान रखते हुए खुद ही उस क्रैक को निकालने की कोशिश की। और चमत्कार देखिए, उस छोटे से क्रैक वाला भाग आराम से मूर्ति से बाहर निकल गया और मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुए। कहते हैं कि साई की भक्ति में ही शक्ति है। अगर कोई भी भक्त उन्हें पूरी श्रद्धा से स्मरण भर कर ले, बाबा उनको जरूर दर्शन देते हैं। जो बाबा की शिरडी में स्थापित मूर्ति है, वह बाबा की जीवंत होने का एहसास सदैव अपने भक्तों को देती है और यह संदेश देती है कि चाहे कोई भी दुविधा या परेशानी हो, बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हम इसी तरह मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए साईं बाबा की कृपा हम सब पर इसी तरह बने रहे, इसी आश के साथ ओम साईनाथाय नमः।